हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक स्टोरी जो मेरे साथ हुई है, वो आज क्या हुआ। क्लास में मैथ्स का पीरियड था। तो बच्चों, ये वाला कौन करेगा? एकदम सिंपल दिया है, 111 × 3। बताओ अंकुर, स्टैंड अप एंड टेल, व्हाट इज 111 × 3? टीचर, 113। नो, रॉन्ग। तुमको इतना सिंपल मैथ नहीं आ रहा? ओके रिया, तुम बताओ कि ये कितना सिंपल है और इसका आंसर क्या होगा। रिया, सॉरी टीचर, मैं इसका आंसर नहीं बता पाऊंगी। ऐसा नहीं था कि मुझे आंसर नहीं पता था। मैं मैथ्स में बहुत अच्छी हूँ, पर हमेशा नहीं थी। पहले मैं बहुत वीक थी और हमेशा कम मार्क्स लाती थी। एक बार तो मेरी टीचर ने कहा था कि मैं अगर इस बार फेल हो गई तो साल रिपीट करना पड़ेगा। पर 3 महीने पहले मेरे साथ कुछ हुआ था। किड्स, आज मैं मैथ सरप्राइज टेस्ट के रिजल्ट्स बता रही हूँ। अंकुर 8 out of 10, गुड। स्नेहा 6, मनोज 7 out of 10, रिया 1 out of 10। रिया रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। यस यस टीचर। रिया, तुम्हारा मैथ्स बहुत वीक है। तुमको क्लास में सबसे कम मार्क्स आए हैं। तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। एक काम करो, तुम स्कूल के बाद मैथ्स की एक्स्ट्रा क्लास अटेंड करो। कोई फीस नहीं, सिर्फ अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर देना। यही स्कूल में 3rd floor पे रूम नंबर 333 में तुमको पढ़ना है। कल से ही आ जाओ। ठीक है टीचर। फिर अगले दिन मैं स्कूल के बाद एक्स्ट्रा क्लास के लिए 3rd floor में रूम 333 में गई। क्लास में कोई नहीं था। अरे टीचर तो यहाँ नहीं है। मैं थक गई हूँ, मैं ये डोर बंद करके सो लेती हूँ। फिर टीचर आएगी तो खोल दूंगी। रिया, तुम तो सो गई। उठो बेटा, हमको मैथ्स की पढ़ाई करनी है। हाँ हाँ सिस्टर, मैं बुक्स निकालती हूँ। श्योर। रिया, मैथ्स सबसे ज्यादा लॉजिकल सब्जेक्ट होता है। अगर तुम्हारा लॉजिक सही है तो आंसर भी निकलेगा। मैं तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग करना चाहती हूँ। देखो, अगर ये सम है तो सिस्टर अमेलिया ने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया कि मुझे मैथ से प्यार हो गया। इतना कि मेरे क्लास में मेरे सबसे अच्छे मार्क्स आने लगे। और आज के टेस्ट के मार्क्स हैं, अंकुर 8 out of 10, स्नेहा 5, रिया 10 out of 10। शाबाश रिया, पर इतना इम्प्रूवमेंट कैसे आया? वेरी गुड रिया, तेरे मैथ्स में 10 आ गए, मुझसे भी ज्यादा। पर ऐसे कैसे हुआ? तेरे तो सबसे कम आते थे, सबसे ज्यादा कैसे है? तुझे लगा कि तू ही हमेशा टॉप करेगा। अब मुझे मैथ्स बहुत पसंद है, पता है क्यों? मेरी टीचर के वजह से, सिस्टर अमेलिया। सिस्टर अमेलिया, वो कौन है? सिस्टर अमेलिया एक नन है जो मुझे एक्स्ट्रा क्लास में मैथ्स पढ़ाती है। बहुत अच्छी है और इतना अच्छा समझाती है। अच्छा, क्या बात कर रही है? ये कब हुआ? और मैंने तो स्कूल में किसी ऐसी टीचर का नाम नहीं सुना। मैंने भी नहीं सुना था। वो एक्स्ट्रा क्लास छोड़ के कहीं और दिखती ही नहीं है। अच्छा, तो मुझे भी उनसे सिखवा देना। क्यों, डर गया कि मेरे तुझसे ज्यादा मार्क्स आएंगे? अच्छा चल, आज स्कूल के बाद तू भी मेरे साथ रूम 333 में चल, दोनों पढ़ेंगे। चल रिया, बता कहाँ है तेरा रूम 333? ये रहा, ये है रूम 333। अच्छा, पर इस पे तो ताला लगा है। अरे ताला कैसे लगा है? ये तो खुला हुआ करता था।
अब क्या करें? चलो ऑफिस जाकर पूछते हैं सिस्टर अमीलिया कब आएगी। एक्सक्यूज मी मिस, मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए गई थी पर वहाँ पे ताला लगा था। एक्स्ट्रा क्लास किधर? रूम नंबर 333, थर्ड फ्लोर पे। सिस्टर अमीलिया लेती है क्लास। थर्ड फ्लोर पे? रियली? अमीलिया नाम की कोई टीचर हमारे यहाँ काम नहीं करती? करती है, मैं रोज सिस्टर अमीलिया से पढ़ती हूँ। वो नन की यूनिफॉर्म पहनती है। आज लॉक लगा है रूम पे, अब पूछिए किसी को। नहीं बेटा, मैं यहाँ सबको जानती हूँ, यहाँ कोई नन नहीं है और रूम नंबर 333 में तो हमेशा ताला लगा होता है। तुम दोनों मेरा अप्रैल फूल तो नहीं बना रहे ना? अच्छा मुझे काम करने दो, मैं बहुत बिजी हूँ। रिया, ये क्या मजाक है? तो अपना सीक्रेट नहीं बताना चाहती है तो मत बता, पर इस सिस्टर अमीलिया के नाम से पागल मत बना। क्या कहा? सिस्टर अमीलिया? रुको बच्चों, इधर आओ। तुम कैसे जानते हो सिस्टर अमीलिया को? सिस्टर अमीलिया, वो मेरी एक्स्ट्रा क्लास लेती है मैथ्स की, रूम नंबर 333 में। मैं अपने फ्रेंड को वहाँ लेके गई पर आज वहाँ ताला लगा हुआ है। हाँ मैं जानता हूँ सिस्टर अमीलिया को। वो बहुत साल पहले यहाँ मैथ सिखाती थी, पर एक दिन पढ़ाते हुए ही उनको हार्ट अटैक आया और वो चल बसी। जिस रूम में उनकी मौत हुई वो रूम था रूम नंबर 333। बस तब से ही इस रूम में ताला लगा हुआ है। पर काका ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले एक महीने से उनसे क्लासेस ले रही हूँ। बच्चों, तुमने जिसे देखा वो सिस्टर अमीलिया की आत्मा है। जिन बच्चों को वो चुनती है उन्हीं को वो बस रूम में आने देती है और कोई उनको कभी नहीं देख पाता। पर उन्होंने कभी किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाया। सिस्टर अमीलिया सिर्फ कमजोर बच्चों की ही मदद करती है। आत्मा? मैं इतने दिनों से जिस टीचर से पढ़ रही थी वो एक भूत है? तो आज का आंसर मुझे पता था, पर तब से आज तक मुझे उस रूम का नंबर बोलने में बहुत घबराहट होती है।